आखिर कैसे कहलाते हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य महादेव के पुत्र? प्राचीन कथाओं के अनुसार यह उस समय की बात है जब अंधकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान के रूप में एक ऐसा अनोखा वरदान पाया था जिसमें उसको कोई भी हरा ना सके। और इस वरदान को पाने के बाद उसने अपने शक्तियों से पूरे पृथ्वी पर तांडव मचा दिया था। ऐसा देखकर सभी देवताओं ने अंधक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध काफी वर्षों तक चला जिसमें कई हजार दैत्य मारे गए। दैत्यों को मरता देख अंधक बहुत दुखी होता और गुरु शुक्राचार्य के पास जाता और उनसे प्रार्थना करता है कि अब नृत्य संजीवनी विद्या के द्वारा सारे दैत्यों को जिंदा कर दे। और गुरु शुक्राचार्य ने अंधक की बात मानते हुए और सारे दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। और जैसे ही ये बात महादेव को पता चलती है उन्हें शुक्राचार्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है और अपने क्रोध में आकर भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को निगल लिया था, जिसके बाद दैत्यों की सेना कमजोर होने लगी और देवताओं की विजय हुई। और इधर शुक्राचार्य महादेव के पेट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे और उन्हें महादेव के पेट के अंदर पूरे सृष्टि के दर्शन हो गए। और इस तरह गुरु शुक्राचार्य महादेव के पेट में सालों तक रहे और उन्होंने हार मानकर महादेव के मंत्र का जप किया, जिसके बाद महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं और अपने मूत्र द्वार से उन्हें बाहर निकलने देते हैं। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और महादेव उनसे बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरे मूत्र द्वार से बाहर आए इसलिए आज के बाद तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। और माता पार्वती शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर उनको कई सारे वर प्रदान करती है। हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।